त्रिवेदी मचो का है, जो जहाँ देखो पूरे जिला में राजस्व के मामला इतने बुरे फंसे, उनको कानून निदान नहीं है। किसान मारो मारो फिर रहा हो, आदिवासी हो चाहे दलित हो चाहे गरीब जो भी है, उनकी वही दशा है। सरकार जितने नियम बना ले कानून बना ले, लेकिन धरातल पे तो कुछ नहीं है। धरातल पे वही भर्राशाही, वही रिश्वतखोरी, वही तानाशाही, उनमें प्रशासन और गुंडा मिलके गरीबन को जीवो हराम करें। अबे बुंदेली चुगली ने एक खबर राजस्व विभाग से जुड़ी भाई पंचमपुर की दिखाई है भाई सुबीरें। देखो दूसरों मामला जो है राजस्व विभाग को है, और राजस्व विभाग जैसो भ्रष्टाचार शायद कोनू विभाग में मचो हुए। वो भ्रष्टाचार का है कि पुलिस को राजस्व विभाग को गठजोड़ रहा, बेबहाना कर देते कि पुलिस नहीं है हम नाप पे जाएं तो कैसे जाएं, पुलिस बहाना कर देते कि हमारे पास बल नहीं है हम जाएं तो काय में जाएं। ये बहाना करके किसानन का मारू जा रहा, किसान परेशान है, शिकायत करत करत आउत हैं, आवेदन देते हैं, कलेक्टर लवाज हैं, SP लवाज हैं, आवेदन दे दें, बे आवेदन को नहीं पढ़त तो सीधे फाड़ के फेंका दे जात, केवल फॉर्मलिटी औपचारिकता निभाई जात। अब जे आए हैं भैया, कहाँ से आए तुम्हारे भैया? चेतुपुरा से आए जो रहे। इनकी समस्या भी वही समस्या है कि इनकी जमीन सीमांकन भाव, लेकिन गुंडन ने यादवन ने मार मार के भूसा कर दो और जमीन पे कब्जा कर लो, जहाँ जाने हुए जाओ सुना जाओ। वे बेचारे आए, SP लो दरखास्त दे गए सुना गए, कलेक्टर लो सुना गए, लेकिन भाव कछु नहीं है। हकीकत वही है कि ये आहो सो हम मार के भूसा बना दे, भी जमीन हमारी है ना कि तुम्हारी। उनको जो कहो है यादव परिवार है, जो यादव लगे इनके खिलाफ। अब भैया इनकी कहानी ये नहीं कि जुबानी सुनवा रहे हम आपका, जब बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति है और किसानन के मामला हम विशेष तौर पर उठाऊ, विशेष तौर पर बुंदेली चुगली किसानन के मामला दिखाऊ कि कहाँ का मचो, किसान कितनों परेशान है और सिर्फ वादा करे जा रहे किसान के संगे, बाकी धरातल पे कछु नहीं है। भैया का नाम तुम? हमारा परम लाल। कहाँ से आए? जतिपुरा से। का समस्या? जमीन के। का होगा? हमारी जमीन यादव जोत रहे। यादव जोत रहे? हाँ। जबरदस्ती जोत रहा है? हाँ जबरदस्ती, मना भी करो फिर भी नहीं मान रहा है वो। तुम्हारा सीमांकन हो चुका? हो चुको है। इसके बाद भी जबरदस्ती जोत रहे हैं? का कह रहे हैं? वे कह रहे हैं हम मानेंगे तो आओगे तो हमें जोतना है, जबरदस्ती जोतना है। को है क्या जाने, यहाँ चार पाँच छः जाने थे, लग यादव और ना पता मेरे को ना मुकेश यादव, राजा राम और रामदास हनुमत है चाहे यादव परिवार। अच्छा तुम शिकायत कर भी गए कहूँ नहीं गए? गए हैं शिकायत का भी। SP साहब लोग आए? SP साहब लोग आए ना थे अपन, SP साहब लोग आए कल्याण विभाग से में है वो थाने में गए, दो तीन जगह गए, कम से कम एक महीना होगा, सुनाई नहीं कर रहा, महीना भर से भटकत होगा महीना भर से। तो भैया जाहे दशा हरिजन थाने भी हुआ है, आदिवासी आए बेचारे गरीब लोग हैं, उनको वही आसरा रात वही जितनी जमीन सरकार से मिली वही में उनको गुजारा चलत, भरण पोषण चलत, लेकिन उमें भी सामंतवादी प्रथा जो कहा थे ना कि सामंतवाद अब खत्म नहीं भाओ, उमें भी भाई लोग अपनी नियत गड़ा के बैठे, ब जमीन भी इनसे छुड़ा ले गई, इन्हें कब्जा नहीं मिल पा रहा हो ना, जो जोत पा रहे न बे पा रहे। यादव परिवार इतनो हावी है। SP साहब लोग गए थे नहीं भाई कार्रवाई? SP लो हुआ आवेदन दे आए कोनो कार्रवाई नहीं भाई, हरिजन थाना हुआ कोनो कार्रवाई नहीं भाई। अब सवाल जो उठत के जो शिवराज सिंह की घोषणा भैया शिवराज सरकार को है कि किसान परेशान न हो चाहिए, पोर्टल तैयार करोगे, कलेक्टर साहब ने घोषणा करी कि एक पोर्टल जो है तत्काल सीमांकन बंटवारा जो भी समस्या किसान की है वह निपट है, लेकिन निपट नहीं रही। राजस्व विभाग के मामले में छतरपुर जिला इतनो बदनाम है कि हजारन शिकायतें तो मुख्यमंत्री के ते पड़ी, लेकिन उतने से कहा होता अगर शिकायत कर भी दी जाती तो तत्काल दबाव बना दो जाते, इतनो दबाव बना देते अधिकारी, दबाव बना दे कि जो शिकायत पहले वापस लो, शिकायत वापस भई के बाद कार्रवाई नहीं हो। जो सबसे बड़ी प्रथम दृष्टिया देखने वाली बात यह है कि जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन दई गई है कि इनमें शिकायत करो निराकरण हुई है, उनमें शिकायतें हजारन पनी लेकिन निराकरण नहीं हो, इतने दबाव बना दो जा तो वही आदमी के ऊपर दबाव बनाओ जा जी की शिकायत है कहीं खा लिख के दो कि हमारा मामला निपट चुको, बेचारे खा लिखने पड़ा जी के खिलाफ है, पहले दबाव बना दी। अब भैया आगे तुम उन्हें क्या चाहते? हम तो अपनी जमीन चाहते हैं, जमीन वापस चाहते, वापस चाहते हैं। हमें उसको भी निराकरण होना चाहिए, हमारी जमीन उनने जो दी जबरदस्ती
वो हम ही को मार पीटा है। वो है ये बोला है साले यहाँ आएंगे तो जान से मार देंगे। वो है उस यहाँ कहीं नजर न आ जाना, नजर आ जाएगी तो सारे को जान से मार देंगे। थाना कौन लगा? मादगुआ थाना लगता है सर। मादगुआ थाने में रिपोर्ट करी? हाँ जी, थाने में रिपोर्ट किया था। थानेदार ने सर एक याद है कि जाओ हमारा काम नहीं है जमीन का, तुम्हारा वहाँ है तहसील में, वहाँ जाओ। तहसील में आए, तहसील वाले ने वो ये बोला है कि तुम थाने में जाओ, हमने अपना काम कर दिया है, तुमने नपवा लिया है, तुमको हमने पावती दे दिया है उसकी नाप तोड़ की, तो थाने में सुनाओ तुम। इसके बाद में नपवा के श्रीमान हम वहाँ गए, हम मानो अपना कब्जा करने के लिए, तो पटवाई हम भी मौका पे लुवा गए, उन्हें भी मौका पे बढ़ाओ। तो उनने मौका पे पटवाई ने बताओ कि श्रीमान इनकी है जमीन, तुम्हारी नहीं है। बोले थे नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, बोले फेंके नपवाओ इसको। तो हमने ही साहब फेंके, हम 10 बार नपवाएंगे का गरीब आदमी, आज 30 साल में हमने नपवा पाई, तो हमारा इतना पैसा कहाँ है। बोले नहीं तुमको फेंके नपवाना पड़ेगा। तो पटवाई बोला था तुम्हारी नहीं है यहाँ, तुम्हारी तो मतलब सरकारी जमीन है बीच में, इसके बाद तुम्हारी है, तुम फालतू में इस पे कब्जा करें। लेकिन बोले थे नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। मादगुआ में थानेदार को है? थानेदार हमें नहीं पता सर। भैया जो गौर करवे वाली बात है, जैसे हम बताऊ जा रहे कि थाने जा तो कह दे तो राजस्व को मामला है, राजस्व बालन लो जाओ, और राजस्व बालन लो किसान जा तो कह दे जो थाने को मामला है थाना जाओ। और मादगुआ थानेदार जो हम विशेष बताऊ, जब एक अहरवार को मामला है उसकी जमीन में कब्जा करोगा, कुआ में कब्जा करोगा, मादगुआ में, तो मादगुआ में कमल सिंह है थानेदार। भैया विशेष गौर करवे वाली बात है कि इनकी भूमिका बड़ी संदिग्ध रहा, बहुत लत्ता लपेटी काम कर रहे, जितने लफड़े वाले काम कर रहे कमल सिंह के जमीनन के मामले आओ जैसे विधा दे तो मात्र पैसा की दम पे हो रहा जो कछु हो रहा। एक अहरवार को मामला हमारे पास आओ तो हमने वह खबर दिखाई भी थी, लेकिन इनको केवो का है कि तुम जाओ राजस्व विभाग, राजस्व विभाग में जा तो होते कह देते तुम जाओ पुलिस के पास, हमारो काम नहीं है। आखिर जो निर्णय कर है तो को कर है, जब जनता जे है तो कहाँ जे है। इन्हें शर्म नहीं आ रही अपने आप से कि जब वर्दी का कलंकित ना करो, तुम्हें जब वर्दी मिली है तो वर्दी की लाज रखो, जब वर्दी बड़े भाग्यवान का मिलत, बड़ी किस्मत वाली का मिलत, लेकिन ये वर्दी खे इतनो दागदार करत जा रहे, इतनो दागदार करत जा रहे कि शायद भगवान की लाठी से ना बचो। गरीब की हाय अगर परत है तो तुम्हें पतो है कि अंजाम का होत, गरीब की हाय बहुत बुरी होत। तो थानेदार की मुख्य भूमिका है मादगुआ थानेदार कमल सिंह, हम बार बार जसों की बता रहे। और आगे एक खबर और आबे वाली है, बखबर हम प्रमुखता से दिखा भी, हम मादगुआ से लाइव प्रस्तुति दे भी। अहरवार की जमीनन पे कब्जा करो जा रहे हो जबरदस्ती, और थानेदार की शह पे करो जा रहे। थानेदार उल्टो मारवे की धमकी दे, उखा गाली गलौज कर रहे जो कमल सिंह जो थानेदार हैं मादगुआ थाना प्रभारी। तो जा खबर हमने अभी लाइव प्रस्तुति दिखाई भैया आप लोगों ने कहा, ऐसी खबरें हम लेके हाजिर हो भी फिर से आ भी आप लोगों के बीच में बुंदेली चुगली ऐसी खबरन के लाने जानो जात। प्रमुखता से हम जो खबरें रखत कि किसान कहाँ परेशान है, कितनी परेशानी है, गरीब की दिक्कत कहा, लेकिन सुनवे वालों को देंगे। अब इस खबर में भी हम संज्ञान में रख भी कि कमल सिंह का कार्रवाई कर रहे, राजस्व वाले का कार्रवाई कर रहे, आखिर ये आदिवासियन का जमीन इनकी मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही, बेचारे दर दर की ठोकर खाते फिर रहे, भटकत फिर रहे, ना जोतवे मिल रही जमीन ना कब्जा मिल रहा। बुंदेली चुगली की भैया जो खबर हमें बताई समाप्त कर रहे, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हो भी, तब तक किलाने भैया रहो सब जनन का, माई राम राम।